भोले बाबा जैसा कोई देवता, इसलिए इनको देव नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये देवों के भी देव हैं, लोग इन्हें कहते महादेव हैं। अच्छा भोले बाबा महादेव क्यों समझो, भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। भगवान की जय। गुरुदेव महाराज क्या सुंदर कथा सुना रहे हैं भोले बाबा की। रामर किसका चेला दोस्तों, बहुत ही पुण्य भोले बाबा का, बहुत ही अच्छी वीडियो। भूत प्रीत किसके साथ ही, भोले बाबा के। बिच्छू सांप की के अंग में जहर कोपिया, अब बताओ ऐसे कौन देवता देखो तुमने। आ लो समुद्र मंथन की कथा हमने पढ़ी है कि जब समुद्र मंथन हुआ जब विष निकला जहर, अभी आएगी कथा आज, तो जब विष निकला जहर भयंकर हलाहल विष, देवताओं ने कहा कि इसे किसे पिलाया जाए। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पियो, बुढ़ापो आगो तुम आओ, सफेद डाड़ी हो गई पी लो। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी लो कहूं टबक गए तो फिर सृष्टि कौन बनाएगा, इसलिए हमें छोड़ो। अच्छा ब्रह्मा जी ने नहीं पिया तो कहा विष्णु भगवान से, आप पियो विष्णु भगवान, आप बड़े हो सबके मुखिया हो, आप पियो। विष्णु भगवान बोले तो ब्याह लो नहीं भावा, कछु देर बाद लक्ष्मी जी प्रकट होने फिर होने में बाय, हमें ना पिलाओ को वो और देखो। देवता बोले पिबाएं किया, कोने में बैठे थे हमारे अपने भोले बाबा, कोने में आंखें नीचे, सब जन ने भगवान विष्णु भगवान से कही इन्हें यहां पकड़ो। पहुंच गए सरकार, हे भोलेनाथ आपके जैसा तो कोई दूसरा देवता ही नहीं है, इसलिए आप देव नहीं महादेव। भोले बाबा समझ गए, बोले मस्करी मत मारो, सीधो सीधो बताओ का करना है। देवता बोले सरकार विष निकलो, विष पॉइजन जहर। भोले बाबा बोले सो क्या करें, पी जाओ। भोले बाबा बोले हम यहां मिले। ब्रह्मा जी की तरफ देखने बोले तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया, तुमने कह नहीं डकार हुआ तुम क्यों चुप है। ब्रह्मा जी बोले अबे हमें सृष्टि बहुत बनानी है। शंकर जी बोले मतलब हमारा कोई काम नहीं है इसलिए हमें पिला। नहीं 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 आप तो पचा सकते, आप देव नहीं महादेव हो। ठीक है लिया, भूत भावन महादेव ने विष लिया और पीने की कला देखना। ला कहा मुंह खोला, विष को पूरा मुख में डाला। मां कहा मुंह को बंद कर लिया, पीना चाहते थे पर सोचा हृदय में राम जी बैठे हैं वो जल जाएंगे और बाहर अगर निकालेंगे तो पृथ्वी जल जाएगी, अब करें क्या, भीतर ले नहीं जा सकते बाहर निकाल नहीं सकते, तो कंठ में ही धारण कर लिया, नील कंठे स्वर हो गए।